राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हो, जेंट्स स्वेटर में, जैकेट में, कहीं भी डाल लो, कैप में, सब जगह अच्छा लगेगा। ये एक डिजाइन, ये 6 फंदे का है। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। एक फंदा ये, इसको उल्टा सीधा जिस तरह भी बनाओ यूं बना लो। ये फंदा हमारा डिजाइन से अलग है। आगे फिर एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये 6 फंदे हो गए। एक फंदा उल्टा, एक स्लिप कर लिया, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये 6 फंदे का डिजाइन है। ये 6 फंदे आगे बनाएंगे। फिर आगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। दो डिजाइन हो गए यहाँ तक। आगे फिर एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर आगे ये 3 डिजाइन हो गए यहाँ तक। अब डिजाइन को सेट करने के लिए 3 फंदे आगे बना लिए, 3 फंदे उल्टे। अगर 3 फंदे ज़्यादा नहीं हैं तो इस तरह भी डिजाइन ठीक रहेगा। एक बार इस तरफ आगे 3 फंदे, एक बार आगे अगले डिजाइन में इस तरफ आएंगे ये 3 फंदे। डिजाइन यहाँ तक पूरा हो गया। फिर कोने वाला फंदा उल्टा। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। जो 3 फंदे उल्टे बनाए थे वो 3 फंदे सीधे हो गए, 1 2 3। फिर अपनी तरफ धागा करके, नहीं ये एक उल्टा था, एक सीधा था, एक स्लिप कर रहा हुआ था, ये गलत बना दिया, यहाँ उल्टे नहीं आने थे। 6 बनाने थे ये फंदे, 1 2। ये 3, एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, एक उल्टा, ये 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, एक उल्टा, कोने वाला भी उल्टा, ऐसे बनेंगे। अब दूसरी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई आ गई। अब दूसरी सिलाई में एक फंदा ये उल्टा था जो वो सीधा हो गया, अपनी तरफ धागा करके ये फंदा हमने सीधी सिलाई में भी स्लिप किया था, अब उल्टी में भी इसको स्लिप कर रहे हैं। फिर एक फंदा सीधा, एक सीधा, एक स्लिप कर लिया, एक सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके ये 3 फंदे जो सीधे थे उल्टी सिलाई में, अब ये उल्टे हो गए। अब ये 6 फंदे बनाएंगे आगे। एक सीधा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। पीछे धागा करके एक सीधा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर कोने वाला फंदा उल्टा। दोनों कोने पे एक एक फंदा रखा सिलाई के लिए। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हम एक फंदा उल्टा, अब तीसरी सिलाई भी हम पहली सिलाई की तरह उतारेंगे, ये स्लिप कर लिया, फिर एक उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये तीसरी सिलाई भी इस तरह उतरेगी, फिर एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा उल्टा, कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई चौथी सिलाई,
उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई को भी हमें जिस तरह हमने दूसरी उतारी थी, एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, एक स्लिप कर लिया, फिर एक सीधा, एक दो तीन, फिर एक सीधा। ये फंदे पता चल रहा है कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, ये देखो पता चल रहा है इनका कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। अब ये चौथी सिलाई है उल्टी सिलाई, ये सिलाई भी हम पूरी इस तरह उतार देंगे। अब कोने वाला फंदा उल्टा, ये कोने वाले अगर स्लिप करना चाहो दोनों फंदे स्लिप कर लो, मैं सीधी में भी उल्टा बना रही हूँ और उल्टी में भी। अब ये चार सिलाई होगी हमारी। अब आगे हम डिजाइन को पलट के बनाएंगे। अब जो ये तीन फंदे सीधे हैं, ये तीन फंदे सीधे हैं, ये फंदे इस जगह बनाएंगे, एक उल्टा एक स्लिप कर लिया एक उल्टा, ये तीन फंदे सीधे बना देंगे। अब ये तीन फंदे जो सीधे हैं इनमें एक उल्टा एक स्लिप कर देंगे एक उल्टा, ऐसे बनेगा। अब ये पाँचवीं सिलाई आ गई। अब ये पहले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर अपनी तरफ धागा करके जो ये तीन फंदे सीधे हैं इनमें एक उल्टा एक स्लिप कर लेंगे, फिर एक उल्टा। अब यही छह फंदे आगे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा एक स्लिप कर लेंगे, फिर एक उल्टा। अब ये दो डिजाइन हो गए आगे, फिर तीन फंदे सीधे, डिजाइन वही है बस डिजाइन की जगह बदलती है। तीन फंदे सीधे, कोने वाला फंदा उल्टा। अब आ गई पाँच, ये पाँचवीं सिलाई थी, अब छठी सिलाई आ गई। अब ये छठी सिलाई हमें तीन फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक फंदा सीधा एक स्लिप कर लिया, जो फंदा स्लिप किया था हमने पाँचवीं सिलाई में, अब छठी में भी उसी को स्लिप कर रहे हैं। तीन फंदे उल्टे, एक सीधा एक स्लिप कर लिया, फिर एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक सीधा एक स्लिप कर लिया, फिर एक सीधा, तीन फंदे उल्टे, कोना वाला फंदा भी उल्टा। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में भी हमें जिस तरह हमने तीसरी बनाई थी, अब ये पांचवी बनाई थी, पहली बनाई थी, तीसरी बनाई थी, फिर पांचवी बना दी, अब सातवीं सिलाई आ गई। तीन सीधे, एक उल्टा, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर एक उल्टा। अब यही छह फंदे आगे बनाएंगे, तीन सीधे, फिर तीन उल्टे एक उल्टा एक स्लिप कर लिया, फिर एक उल्टा, फिर तीन सीधे एक उल्टा एक स्लिप कर लिया एक उल्टा, तीन फंदे सीधे एक उल्टा। अब ये सात सिलाई उतार दी। अब आठवीं सिलाई भी हमें देखो कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है। आठवीं सिलाई भी हमें इस तरह उतारेंगे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको इसी तरह बना लेंगे आठवीं सिलाई में। आगे फिर पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे, तो आठवीं सिलाई को भी इसी तरह उतार लेंगे।